गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। ब्रेड बना रहे नाश्ते में, क्योंकि मेरे बेटे को ब्रेड बहुत पसंद है और फरमाइश करी थी ब्रेड के लिए। और ये मैं अपने बेटे के लिए ब्रेड बना रही हूँ। ब्रेड बनाना बहुत ही आसान है। ये बेसन लिया है, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिली डाली, इसी में मिर्चें, नमक स्वाद अनुसार, ज़्यादा कुछ इसमें डलता नहीं। और पानी से इसका घोल बना ले। घोल को ना ज़्यादा थिक बनाए ना ज़्यादा पतला। और ये मैं मेहंदी दिखा रही हूँ हाथ की। मेरी बेटी ने कहा दिखाओ कैसे रची है, तो मैं उसे दिखा रही थी। और इसके बाद इसका पेस्ट बनाने के बाद और ये यहाँ पर मैंने ब्रेड के अंदर वो कर लिया, आलू भर लिए। आलू मेरे बचे हुए रखे हुए थे, मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो वही आलू का जो पेस्ट था बना हुआ, जो भरता था बना हुआ, वही मैंने ब्रेड में भर दिया। और ये ब्रेड मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर बेसन में लपेट के। आप चाहे तो ऐसे काट कर सीधे फ्राई कर सकते हैं, या तिकोने काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो ब्रेड। ये यहाँ पर चाय तैयार हो रही है, चाय बनने रख दी हमने, क्योंकि चाय तो मस्त है जी। देखिए हमारे ब्रेड फ्राई हो रहे हैं। और अब ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। और यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो देखिए ब्रेड कितने अच्छे बने, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। झटपट से 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं घर पर ब्रेड। बाहर से लेने जाओ तो ना तो ऑयल अच्छा यूज़ करते वो लोग, और प्राइस भी ज़्यादा होते हैं इनके। और ये शादी में जाने की तैयारियाँ चल रही है गाइस। ये मैंने नेल पेंट लगाई थी, और ये मम्मी की ड्रेस है जो मम्मी ने वेयर करी थी शादी में। और ये कज़न की शादी थी मेरी, तो उसमें गए थे हम। ये मम्मी की ड्रेस है, और गाइस ये मेरी ड्रेस है जो मैंने वेयर करी थी। और ये मेरी बेटी की ड्रेस है। पहले तो मेरी बेटी को ड्रेस पसंद नहीं आई कि मैं नहीं वेयर करूँगी, पर मैंने कहा आप ये पहनो अच्छी लगेगी ये ड्रेस आप पर बहुत। तो मेरी बेटी ने पहनी थी, अच्छी लगी थी। ये इयर रिंग है जो इसके साथ वेयर करेंगे। ये मम्मी ने दिए, सबकी मम्मी ही देती है ऐसी, ये तो कोई ना की बात नहीं। और अब हम रेडी होके शादी में जा रहे हैं। ये मैंने लहंगा पहना था शादी में, लहंगा और ब्लाउज वेयर किया था। ये मेरी चूड़ियाँ हैं, और ये मेरी बेटी ने ड्रेस वेयर करी थी वाली प्लाजो टॉप। ये नेल पेंट लगाई थी गाइस मैंने। और ये नई जो आप चूड़ियाँ देख रहे हैं, नए डिज़ाइन की चली हैं अभी जो हमने वेयर करी है। हम जा रहे हैं शादी में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं वहाँ पर, और वो लोग कैमरे के सामने इसलिए आनंद चाह रहे थे, इसलिए उन लोगों की हमने वीडियो बनाई नहीं है ज़्यादा, बस अपने अपने सीन लिए। और अभी हम वेट कर रहे हैं बारात आने की, क्योंकि हम बारात से पहले पहुंच चुके हैं गाइस। और अब बारात आ चुकी है, मगर हमने उनके सीन नहीं लिए इसमें, उनकी वीडियो नहीं बनाई। देखिए गाइस, और ये खाना था गाइस, उसकी ज़्यादा हम क्लिप नहीं ले पाए। उसके बाद हमें टाइम नहीं मिला, बिजी हो गए थे, इसलिए ज़्यादा क्लिप हमने ली नहीं। होगा चुके हैं। और गाइस ये है फुल लुक जो मैंने वेयर करा था सूट उसका।
और आपको कैसा लगा मैं सेक्शन में? आपको ये सूट पसंद आया कि नहीं? और ये गाइस मम्मी ने लहंगा पहना था जो मम्मी पे बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीन कलर उन पे खिलकर आ रहा था गाइस, और ये लहंगा बहुत अच्छा लग रहा था और मम्मी तो इसमें मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो गाइस हम शादी से जल्दी फ्री हो गए थे 5 बजे करीब, क्योंकि शादी दिन की थी। तो पापा से हमने कहा कि हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, तो आज क्रिसमस था गाइस, तो हमने ये छोटा सा क्रिसमस सेलिब्रेशन किया था। ये हमने केक मंगा लिया था और ये ट्री और ये क्रीम रोल पापा लेकर आए थे। तो अब हम यहाँ पे केक कट कर रहे हैं और गाइस आप सबको मैरी क्रिसमस, आपको बहुत बहुत मुबारक। और सॉरी गाइस हम आपको लेट विश कर रहे हैं क्योंकि हम शादी में बिजी थे इसलिए व्लॉग आ नहीं सका। तो अब आप सबको मैरी क्रिसमस, और आप सबका क्रिसमस कैसा गुजरा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपने कैसे कैसे सेलिब्रेट किया। तो अब हमने केक कट कर लिया है और ये मम्मी ने कॉफ़ी बनाई थी, क्योंकि ठंड का मौसम है इसलिए मैंने कॉफ़ी बना दी थी बच्चों के लिए। तो यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं कॉफ़ी। और अगर आप चाहते हैं कि हमने अजमेर और जयपुर से क्या शॉपिंग करी तो ये ब्लॉग पूरा देखें प्लीज़, हम आगे दिखाएंगे हम क्या क्या खरीद के लाए। इसी ब्लॉग में आपको पता चलेगा गाइस कि क्या क्या हमने शॉपिंग की थी। तो अभी हम अपने कॉफ़ी और केक इंजॉय कर रहे हैं और प्लीज़ आप जो ये व्लॉग देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं अगर आपको हमारी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। और ये केक की बाइट गाइस आपके लिए, तो ये है जो हमने जयपुर और अजमेर से शॉपिंग करी थी और इसमें हमने ये सारी चीज़ें ली थी। ये बैग लिया था जयपुर का फेमस जयपुरी बैग, और ये सूट ये लिया था जयपुर से जो शादी में जाने के लिए रेडी करवाया था, मगर फिर पहना नहीं इनने, दूसरा वेयर करा था। और उसके बाद ये जयपुरी सूट लिया था, ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा है जयपुर सूट का, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था उन्होंने लिया था, डॉटर के लिए लिया था मेरे हस्बैंड ने अपनी। ये इसकी शर्ट है जयपुरी सूट की, और ये इसकी पैंट का कपड़ा है पजामे का, और ये चूड़ियाँ भी वहीं से ली थी हमने इसकी मैचिंग, और ये सूट की मैचिंग ली थी, मुझे बहुत पसंद आई थी और काफ़ी अच्छे दामों में मिल गई थी वहाँ ये। और ये सूट लिया था एक, ये मेरे नहीं लिया था मेरे हस्बैंड ने, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसका कलर भी साइज बहुत अच्छा कॉफ़ी कलर था इसमें, और संतरी और कॉफ़ी कलर बहुत ही कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा था इसका। और वो उसकी शर्ट थी, ये पजामे का कपड़ा है, ये शर्ट है इसकी, इसका गला कड़ा हुआ जयपुरी काम हुआ हुआ, देखिए धनक पत्ती से, और ये भी दामन पे भी बॉर्डर बना हुआ है धनक पत्ती से, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था ये सूट भी।
और ये ग्रीन चूड़ियाँ ली थी, वहाँ से ये वाइट चूड़ियाँ ली थी, ये घड़ी ली थी मेरी बेटी ने ली थी वहाँ से अपने लिए, उसके पापा ने दिलाई थी उसे, और एक ये छोटी घड़ी ली थी मैंने अपने फ्रेंड को देने के लिए। वो जो बैग था गाइस वो हमने जयपुर से लिया था, जयपुर से लिया था, और ये जयपुर से मेरे बेटे ने अपने फ्रेंडों को देने के लिए दोस्तों को ये घंटी ली थी वहाँ से। की रिंग भी लिए थे उसने दो, वो उसकी वीडियो नहीं बनाई हमने, और ये और ये ऊँट लिए थे हमने, ये भी मेरे बेटे ने लिए थे अपने फ्रेंडों को देने के लिए, और ये वहाँ की सिन्नी गाय अजमेर की खीले और फूल और वो दुपट्टे, और ये यहाँ डिनर टाइम हो गया, ये डिनर में हमने चाप बनाई थी मटन चाप, और होटल से रोटी मंगा ली थी, नान मंगा लिए थे, और ये चाप बहुत ही बढ़िया बनी थी। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम बना के बताएंगे आपको कि मटन चाप कैसे बनती है, बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और अगर आपको गाइस ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और लाइक भी करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं प्लीज़, उससे आपको हमारे आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।